भू माफियाओं का नया कारनामा देखिए। पूर्व सांसद अतीक अहमद की कुर्क संपत्तियों को बेच दिया। करेली में कुर्क की गई संपत्ति पर कुछ लोगों ने मकान बनवा लिया है। कुर्की के नोटिस बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया। अब सवाल यह है कि मकान बनवाने की अनुमति किसने दे दी, कुर्क संपत्ति की रजिस्ट्री कैसे हो गई, पीडीए से कैसे नक्शा पास हो गया। इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्व सांसद अतीक अहमद की करेली नुद्दीनपुर में अवैध अर्जित की गई संपत्तियों का पता चला था। तत्कालीन जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी के निर्देश पर करेली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। 24 जनवरी 2021 को करेली पुलिस ने करेली के अनुद्दीनपुर में अतीक के लगभग 12 बीघा जमीन को कुर्क किया। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी गई थी। पुलिस ने वहां पर मुनादी भी कराया था। ढोल बजाकर लोगों को बताया गया था कि ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद की अब नहीं है, इसे कुर्क कर लिया गया है। ये प्रॉपर्टी छोटे छोटे टुकड़ों में थी। कुल 18 प्रॉपर्टी पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। इस कुर्की के 1.5 साल बाद पता चला कि वहां पर भू माफियाओं ने बड़ा खेल कर दिया है। अतीक के गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई संपत्तियों को बेच दिया गया है। कम दामों में बेचने पर कुछ लोगों ने उसे खरीद लिया और मकान बनवा लिया। सवाल ये है कि 1.5 साल से करेली पुलिस ने वहां पर जांच क्यों नहीं की। आखिर कुर्क संपत्ति को कैसे बेच दिया गया। अगर लोगों ने कुर्की से पहले जमीन खरीदी थी तब भी उस पर मकान कैसे बन गया। इस फर्जीवाड़ा करने के पीछे कौन लोग हैं ये पता नहीं चला। अतीक के गुर्गों ने बेच दिया या फिर भू माफियाओं ने खेल किया। अगस्त 2022 में पुलिस ने अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 12 दिन में अतीक और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से मिली 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया है। ये प्रॉपर्टी धूमनगंज से लेकर कौशाम्बी बॉर्डर पर मिली थी। हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2020 में लवायन कला स्थित माया देवी शिक्षण संस्थान को कुर्क किया था। कुछ दिन पहले पुलिस को पता चला कि इसी स्कूल के नाम से बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। इसकी जानकारी होने पर औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने ठगी करने के आरोप में दिलीप की पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।